तुलकनबीज बेहरा में पुलिस ने दो बुटलेगर को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1500 बोतल कोडीन बरामद की। अधिकारियों ने तुलकनबीज बेहरा में नाका स्थापित किया और बॉर्डर पर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। उनकी पहचान लताफ शाह के पुत्र मोहम्मद कासिम शाह निवासी नाम्बल मट्टन और अजब शाह पुत्र मोहम्मद सुभान शाह निवासी नंबल अनंतनाग के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान अधिकारी कब्जे से 15 बोतल कोडीन बरामद करने में सफल रहे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस स्टेशन बिजबेहरा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे हिरासत में है। तदनुसार कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू की गई है। एसएसपी अनंतनाग ने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने इसे घर से खरीदा है। इस पर सब डिवीजन टीम ने स्थान पर पहुंचकर पूरी जगह की तलाशी ली और किचन गार्डन में कोडीन की 1500 बोतलों का पता लगाया। स्टॉक को 7 डीप के आसपास गड्ढे में डाल दिया गया था। इसकी खोज के लिए पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की। ये सूचना महोदय के पक्ष में है। समुदाय के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने आस पड़ोस में असामाजिक तत्वों के संबंध में किसी की भी जानकारी के साथ आगे आएं। असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। नेशनल इंडिया न्यूज के लिए अनंतनाग से शेख नदीम की रिपोर्ट।